सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे ऑयल। ऑयल को यहाँ पर अच्छे से हम गर्म करेंगे और यहाँ पर ऑयल आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, कम और ज़्यादा। तो देखिए ऑयल गर्म हो गया है और हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम जीरा राइस बना रहे हैं और यहाँ पर हम जीरे को हम थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद यहाँ पे डालेंगे फाइनली चॉप गार्लिक और चॉप करे हुए ग्रीन चिली और इसे भी हम जीरे के साथ कुछ सेकेंड्स तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर ही सारे मसालों को फ्राई करेंगे। फिर डालेंगे यहाँ पर जावित्री, इलायची और यहाँ पर डालेंगे दालचीनी, लौंग और एक तेजपत्ता। साथ ही साथ डालेंगे यहाँ पे काजू। इन सभी को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। और फिर आएगा यहाँ पे ब्लैक पेपर्स। और हम यहाँ पे डालेंगे पीनट्स। पीनट्स आप चाहे तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और फिर यहाँ पर हम डालेंगे करी लीव्स। करी लीव्स को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे इसके अंदर। सारे मसालों की देखिए बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है फ्राई होकर, बहुत ही अच्छी खुशबूदार हमारा जीरा राइस बनने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सारे मसाले हमारे फ्राई होकर रेडी हैं, बिल्कुल ही मसाले जले नहीं हैं, बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे बासमती राइस जो कि मैंने 15-20 मिनट्स पानी में अच्छे से सोक किया था। तो यहाँ पर मैंने कर दिया फ्लेम को हाई और हाई फ्लेम पर यहाँ पर हम कुछ सेकेंड्स तक इसको कुछ मिनट तक हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पर लगभग 2-3 मिनट तक मैं यहाँ पर इसको फ्राई करूँगा बहुत ही अच्छे से, बगैर हाथ को रोक के इस तरह से हमको यहाँ मिक्स करना है ताकि हमारे चावल जले ना, क्योंकि यहाँ पर हम हाई फ्लेम पर इसको भून रहे हैं। और साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान देना है कि हमारे चावल मिक्स करने के टाइम पर टूट ना जाए। और फिर यहाँ पर हम इसमें चावलों में डालेंगे यहाँ पे सूखी मेथी जो कि बहुत ही अच्छा हमको स्वाद और बहुत ही अच्छी स्मेल देता है। हमारा जीरा राइस में बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आएगा सूखी मेथी से। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। नमक के साथ भी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालने के बाद बहुत ही अच्छी इसमें से जो सारे जो मसालों की जो खुशबू है बहुत और अच्छे तरीके से यहाँ पे फूटेगी। और साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे फाइनली चॉप करा हुआ धनिया। सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। 2-3 मिनट तक हमने यहाँ पर इसको भुना। और अभी हम यहाँ पे डालेंगे पानी। पानी आप अपने अनुसार यहाँ पर इस्तेमाल करिए, लेकिन ध्यान रहे कुछ ज़्यादा पानी भी ना हो जाए ताकि हमारे चावल बहुत ही नरम बने। पानी बहुत ही बराबर आप इस्तेमाल कीजिएगा, मिक्स कर लेंगे इसको भी। और चावल को अच्छे से खिला खिला बनाने के लिए और अच्छा स्वाद आने के लिए हम यहाँ पे लेंगे लेमन जूस। लेमन जूस को भी इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पर। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर बनाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर अभी हमारे चावल बनना शुरू हो गए हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पे खुशबू आ रही है जीरा राइस की। तो इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे ढककर और हम 3 मिनट इसको बनाएंगे। तो देखिए 3 मिनट के बाद पानी तकरीबन सूख चुका है और जीरा राइस की भी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और चावल भी अच्छे से बन रहे हैं। यहाँ पर हम करेंगे फ्लेम को लो और लो फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट और बनाएंगे। हल्का सा पहले मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। ध्यान रहे कि आपके चावल बिल्कुल भी टूटे ना। तो ढककर 5 मिनट बनाएंगे हम इसको लो फ्लेम पर। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जीरा राइस बनकर भी रेडी है। पानी पूरा तरह से सूख चुका है और चावल बहुत ही अच्छे खिले खिले और परफेक्ट पके हैं। तो इस जीरा राइस को हम 10 मिनट के बाद यहाँ पर सर्व करेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे यहाँ पर जीरा राइस बनकर रेडी है खुशबूदार और खिले खिले चावल के साथ। तो आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सभी को बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी बनाई हमने। थैंक यू वेरी मच।